पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी रिहाई की चर्चा पूरे देश भर में खूब हो रही है और नीतीश सरकार की महागठबंधन सरकार की जमकर फजीहत भी उड़ रही है कि एक दलित आईएएस के हत्यारे को किस तरीके से जेल से निकालने के लिए पूरा नियम और कानून बदल किया गया। पूरे नेशनल मीडिया पे उनकी सुर्खियां जो हैं वो तेज हो रही हैं। आपको बताएं कि 1994 4 दिसंबर को जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी ही हत्या के मामले में पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन सजायाफ्ता थे और कल उनकी जो है वो रिहाई हो गई। रिहाई के बाद उनकी रिहाई की चर्चा पूरे देश भर में खूब हो रही है। आखिरकार 4 दिसंबर 1994 की वो दिन क्या हुआ था, जी कृष्णैया की हत्या कैसे की गई, कैसे आनंद मोहन पर आरोप लगा, इस पूरे मसले पर जो जी कृष्णैया के ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी पूरी आपबीती और फ्लैशबैक सुनाया है। दैनिक जागरण में उनका एक इंटरव्यू छपा है और दैनिक जागरण के हवाले से ही हम ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो आपको बताएं कि उस वक्त गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया के हत्या के करीब 29 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी मुजफ्फरपुर में भीड़ के उस हत्या के हमले के बाद उनकी कार के चालक दीपक उस घटना को याद कर सिहर जाते हैं। इस हत्याकांड में सजायाफ्ता आनंद मोहन की रिहाई की खबर मिलने के बाद पूरी घटनाक्रम फिर से उनकी स्मृतियों में घूम रहा है। शहर के अधिवक्ता नगर निवासी दीपक ने बताया कि तेलंगाना, उस समय आंध्र प्रदेश निवासी आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया 5 दिसंबर 1994 को हाजीपुर की एक बैठक में शामिल होकर मुजफ्फरपुर के रास्ते गोपालगंज लौट रहे थे। उसी समय मुजफ्फरपुर के गोबरशाही क्षेत्र में एक सौ यात्रा में शामिल होकर बड़ा हुजूम गुजर रहा था। हम बाल बचाकर किनारे से निकल रहे थे, भीड़ नारे लगाने चल रही थी, लोग आक्रोशित दिख रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, बॉडीगार्ड को बाहर खींच लिया। मैंने इसके बाद भी भीड़ में से गाड़ी निकाली। साहब इतने दयालु थे कि खुद को खतरे में घिरे होने के बाद भी बॉडीगार्ड की रक्षा के लिए मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इन लोगों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और मेरी गर्दन दबा दी। किसी तरह मैंने अपनी गर्दन छुड़ाई, तभी कुछ लोगों ने पीछे बैठे साहब जी कृष्णैया के गाड़ी को बाहर खींच लिया। पीछे बैठे साहब यानी जी कृष्णैया को गाड़ी से बाहर खींच लिया। यह देखकर हम भी वहां से भाग खड़े हुए। जब वापस आकर देखिए तो वे लोग घायल पड़े हुए थे, बॉडीगार्ड दिखा नहीं। भीड़ जब आगे बढ़ गई तो वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरती दिखी। मैंने गाड़ी रोकी और पुलिस को बताया कि जख्मी व्यक्ति गोपालगंज के डीएम हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। तो इस प्रकार से जो दीपक कुमार हैं उन्होंने पूरे घटनाक्रम का फ्लैशबैक बताया कि आखिरकार वो जो 5 दिसंबर 1994 का जो घटना था किस तरीके से हुआ, भीड़ ने किस कैसे उनकी मॉब लिंचिंग करके उनकी हत्याएं कर दी। अब देखिए आनंद मोहन उसमें जो है वो दोषी पाए गए थे, उनको जो है वो सजा दिया गया और सजा के बाद अब देखिए कल उनकी रिहाई हुई है और रिहाई के बाद पूरे राजपूत समाज में एक तरीके से कहे तो खुशी की लहर है और महागठबंधन की सरकार चुकी है तो राजपूत वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक तरीके से ये एक बड़ा दाव खेला गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर जमकर नीतीश सरकार की और महागठबंधन सरकार की फजीहत भी हो रही है। हालांकि बीजेपी भी इस पर कुछ भी बोलने से जो है वो बच रही है, बच बचा कर चल रही है, क्योंकि इस वक्त जो राजपूत वोट है वो किस तरीके से आनंद मोहन के साथ है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।